हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम DBT SQL के लोअर और अपर फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम STR SQL कमांड रन करेंगे SQL स्क्रीन पे जाने के लिए। अभी मैं आपको वो फाइल दिखाऊंगा जिसका डेटा हम यूज़ करेंगे लोअर और अपर फंक्शन को समझने के लिए। तो उसके लिए मैं क्वेरी लिख रहा हूँ select*from, ये मैं मेरा फाइल का नेम लिखूंगा जो है student.pf, एंटर। तो ये कुछ डेटा हमारे पास उस फाइल के अंदर स्टोर्ड है ऑलरेडी, जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मार्क्स और DOB है। तो मेनली हम इसी फील्ड को यूज़ करेंगे। अभी जैसे हम स्ट्रिंग फंक्शन कवर कर रहे हैं तो मोस्टली यही फील्ड रेफर करेंगे। तो उसमें अभी हमारे पास क्या है, नेम है जो केस है, जैसे फर्स्ट लेटर इसका R कैपिटल है, बाकी नॉर्मल जो रनिंग लैंग्वेज होता है उसके अंदर है हमारे पास। बट सपोज आपको ऐसी नीड है कि आपको ये कंप्लीट नेम को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, या लोअर केस में कंप्लीट करना है तो कैसे करोगे। तो अभी हम देखते हैं वो प्रैक्टिकली। तो हम अपर और लोअर फंक्शन इसके लिए यूज़ करेंगे। पहले हम करेंगे कि ये सभी नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा सेलेक्ट, तो मैं लिखूँगा अपर ओपनिंग पैरेंथेसिस फील्ड का नेम, तो जिस फील्ड पे हमारे को करना है उसका नेम है STU नेम, स्टूडेंट नेम, पैरेंथेसिस क्लोज करके फ्रॉम और फाइल नेम, फाइल है हमारी student.pf। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो ये हमारे को कंप्लीट जो नेम है वो अपर केस में रिटर्न कर रहा है। अभी यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारा जो भी डेटा हो वो अपर केस में आए, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है लोअर केस के लिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट अपर को रिप्लेस कर देंगे लोअर से। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये देखो, पहले जैसे कैपिटल R था ये स्मॉल R हो गया, कैपिटल A था स्मॉल हो गया। तो जो भी हमारा इसमें स्ट्रिंग लिखा होगा उसका केस चेंज हो जाएगा लोअर में। तो इस तरह से हम अपर और लोअर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।